हाँ भाई बोल, क्या हाल है? बढ़िया भाई। कैसे याद किया? यार बाइक लेनी थी कोई 3 लाख के अंदर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बता कोई बढ़िया। तो KTM ले ले। साले छपरी समझा क्या? हैं? दुनिया में KTM जैसे बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जो अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो पाए हैं। ये ब्रांड इंजन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। सुपर ड्यूक, 890, 790 जैसे ब्रूटल इंजन वाली बाइक्स इनके पास हैं, और सबसे बड़ा सिंगल सिलेंडर इंजन भी ये बनाते हैं फिलहाल के सालों के अंदर। और KTM की रेसिंग टीम का इतिहास भी बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। एंड देयर मोटो GP बाइक्स आर बॉन्कर्स। और KTM के पास एक बहुत ही बड़ा डर्ट बाइक का लाइनअप है, और इन डर्ट बाइक्स को यूज किया जाता है बहुत सारी डर्ट चैंपियनशिप्स जीतने में। लेकिन इंडिया के अंदर तो KTM की बाइक्स को कुछ और ही कामों के लिए यूज किया जा रहा है। इंडिया के अंदर रीसेंट टाइम्स में KTM की इमेज बहुत ही ज्यादा हैम्पर हो चुकी है, क्योंकि अक्सर हमें बहुत सारे राइडर सड़कों पर ऐसी ऐसी और ऐसी हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। और आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि आज की डेट के अंदर बहुत सारे रियल राइडर्स KTM से अपना नाम जोड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो छपरी बुलाए जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा ब्रांड जिसने कार भी बनाई तो वो दुनिया की सबसे ज्यादा ब्रूटल ट्रैक कार बन गई, उसका आज इंडिया में मजाक क्यों उड़ रहा है? आखिर इस छपरी वर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या है, और ये लोग दिखते कैसे हैं, और इनकी वजह से KTM का नाम आखिर खराब हो क्यों रहा है? इस वीडियो के अंदर हम यही सब बातों के बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ BMW के एग्जांपल से ये भी समझेंगे कि कैसे जब एक ऑटो ब्रांड एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल के हाथ में लग जाता है तो उसकी धज्जियां कैसे उड़ती हैं जब वो लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के अंदर KTM की बाइक्स 125, 200, 250 और 390 वाली चार सीरीज में आती हैं, लेकिन इंडिया में जो बेस्ट सेलिंग बाइक्स हैं वो है 125 और 200। देखने में ये मिल रहा था कि KTM की बाइक्स की सेल लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रही थी, लेकिन अब अचानक से ये बहुत तेजी से गिरने भी लगी हैं। जब मेरी बात मेरे दोस्त से हुई और उससे मुझे ये पता लगा कि KTM की इमेज इंडिया के अंदर खराब हो रही है, तो मैंने YouTube के ऊपर पोल कराया, और इस पोल में ऑलमोस्ट 29,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इनमें से ज्यादातर लोगों ने, यानी कि 47% लोगों ने ये बोला कि वो KTM ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट भी नहीं करना चाहते हैं। और जब हमने इसका कारण जानने के लिए कमेंट सेक्शन देखा तो हमें एक वर्ड मिला, छपरी। और जब हमने इस वर्ड के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करा तो हमें इसका मतलब ये मिला, छपरी मीनिंग ए गाय हु सीक अटेंशन बाय डूइंग अनयूजुअल स्टफ, जैसे कि ये। ना इवन दो मैं ये वर्ड यूज करने वाला हूँ क्योंकि यही पहचान बन गई है जिसकी वजह से हम इस वीडियो को बना रहे हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि एक सूटअप होकर घूमने वाला बंदा बहुत अच्छा होता है और एक हरे बाल करके घूमने वाला बंदा गलत। इट्स रियली अ सब्जेक्टिव थिंग एंड डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव एज वेल। लेकिन अगर हम इसे मोटरसाइकिलिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस वक्त यहाँ पर एक बहुत ही तगड़े क्रिटिसिज्म की जरूरत है। There is a word called squid riders, मतलब ऐसे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग जो बहुत ही ज्यादा reckless ride करते हैं, कोई rule follow नहीं करते, और ना ही उनका outfit ठीक होता है riding के perspective से। और ऐसे लोग इंडिया समेत पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और mostly इन्हें इसी word से बोला जाता है। लेकिन इंडिया में squid riders की भी एक sub category है जिन्हें छपरी नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर वो छपरी जिनकी definition मैंने अभी दी थी वो लोग bikes चलाते हैं। इस टाइप के राइडर्स 40 से 50 किलो तक के होते हैं, ये हेलमेट नहीं पहनते ताकि वो अपने अजीबोगरीब हेयर स्टाइल्स दिखा सकें, इनके आउटफिट में शूज नहीं होते लेकिन ये टाइट स्किनी जीन्स पहनते हैं। और जो सबसे ज्यादा बेकार बात है छपरी राइडर्स के बारे में वो ये है कि ये रोड्स पर ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं, और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ये रोड पे चलते पेडेस्ट्रियंस को भी टीज करते हैं। नाउ अनफॉर्चुनेटली KTM जैसे पावरफुल एंड प्योर रेसिंग ब्रांड का नाम ऐसे राइडर्स के साथ एसोसिएट हो रहा है, बिकॉज किसी भी ब्रांड की इमेज उन लोगों के साथ एसोसिएट होती है जो उसे यूज करते हैं। और यही कारण है कि हर KTM राइडर को आज की डेट में छपरी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, और ये जिल्लत ऑलमोस्ट हर एक आम KTM राइडर को झेलनी पड़ती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि KTM के अलावा भी तो इंडिया के अंदर बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं जो तेज चलती हैं, तो ये लोग सिर्फ KTM को ही क्यों खरीदते हैं? ऐसे राइडर्स और भी बाइक खरीदते हैं, लेकिन ये मोस्टली KTM पर ही मिलेंगे, और इसका सबसे बड़ा कारण है अफोर्डेबिलिटी। KTM एक पावरफुल और प्योर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स नेकेड मोटरसाइकिल्स बनाती है। यही कारण है कि KTM की बाइक्स में कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि स्टंट और ट्रैक रेसिंग में काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि स्विचेबल ABS, वेरियस राइडिंग मोड्स, हाई पावर टू वेट रेशियो जो कि इनकी हर बाइक में मिल जाता है। और तो और KTM का तो ब्रांड मोटो ही रेडी टू रेस मेंटालिटी को प्रमोट करना है, और वो उनके डिजाइन और उनकी मोटरसाइकिल्स के पावर में दोनों में दिखता है। लेकिन KTM कैसे इतने ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर ऐसी बाइक्स बना पा रहे हैं? अब ये सवाल उठना तो जरूरी है, क्योंकि KTM यूरोप के अंदर काफी महंगी और काफी बड़े इंजन साइज की मोटरसाइकिल्स बेचते हैं, और फिर भी वो वहां पर सबसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं। KTM का इतनी ज्यादा सस्ती बाइक्स बनाने का श्रेय हमें बजाज को देना चाहिए। ये बात है 2007 की, जब बजाज ने KTM के 14.5% स्टेक्स एक्वायर करे थे, क्योंकि बजाज को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए था जो उनके इंजीनियरिंग को एडवांस करने में मदद कर सके, साथ ही साथ नए मॉडल्स भी मार्केट में लाने में मदद कर सके, क्योंकि जहां पर बजाज डेवलप्ड मार्केट के अंदर एंट्री लेना चाहते थे वहीं KTM डेवलपिंग मार्केट में आना चाहते थे, जिसके कारण दोनों ब्रांड्स ने डील फिक्स करी।
लेकिन उस समय KTM 600cc से भी बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिल्स बना रहे थे, लेकिन ये बाइक्स डेवलपिंग मार्केट्स में नहीं बिकती उतनी ज़्यादा जितनी डेवलप मार्केट्स में बिकती हैं। KTM डेवलपिंग नेशंस में एंट्री लेना चाहते थे और वो ऐसा करने में कामयाब नहीं थे क्योंकि उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि KTM की बाइक्स की डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग उस टाइम पर ऑस्ट्रिया में होती थी जहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, और अगर वो स्मॉल बाइक्स भी बनाते तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाती। KTM ने 2012 में इंडिया के अंदर 200cc वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करी जो कि पूरी तरीके से इंडिया में डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चरर थी। इस बाइक को बजाज ने KTM के साथ मिलकर डेवलप करा था और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पुणे इंडिया के अंदर हुई थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी की कॉस्ट में 30% तक की कमी आई और अपने कम प्राइस और हाई परफॉर्मेंस की वजह से KTM की सेल्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी राइट आफ्टर 2012। लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी KTM की स्ट्रेंथ मानी जाती थी, आज वही उनकी एक मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वीकनेस बन चुकी है। अफोर्डेबल प्राइसिंग होने की वजह से KTM बाइक्स की रॉ पावर आज की डेट में ऐसे लोगों के हाथ में पड़ चुकी है जो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कुएं में भी कूदने को तैयार रहते हैं। अब एक बात और है इसके अंदर, जो KTM चलाने वाले रेकलेस राइडर होते हैं ना, वो पहचान में भी बड़ी जल्दी आते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर आज की डेट में KTM के साथ इस तरीके से एसोसिएट हो चुका है जैसे रेड कलर फरारी के साथ। सबसे पहले KTM में ऑरेंज कलर आया था 1996 में और इसमें ये कलर इसलिए यूज किया गया था ताकि इसे रेस ट्रैक पर आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन आज जब रोड्स पर ऐसे ऐसे और ऐसे लोग KTM की पावर का मिसयूज करते हुए दिखाई देते हैं तो वो आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में KTM राइडर रेकलेस राइड करते हुए इजीली नोटिस हो जाते हैं, जबकि अदर ब्रांड्स जिनकी बाइक्स वो चलाते हैं वो जल्दी से पहचान में नहीं आती हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से KTM की ब्रांड वैल्यू और फैन बेस लगातार डिक्रीज हो रहा है। KTM कोई पहला ऐसा ब्रांड नहीं है जो अपने यूजर्स की गलती की वजह से बदनाम हो रहा हो, बल्कि BMW जैसे जर्मन ब्रांड को भी इसका सामना करना पड़ता है और आज BMW ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी रेकलेस ड्राइविंग के लिए बदनाम है। वनरामा ने 1001 ड्राइवर्स पर एक रिसर्च करी जिसमें पाया गया कि 84% BMW ड्राइवर्स अनलॉफुली स्लोअर कार्स को पास करते हैं। यही नहीं, BMW UK के अंदर मोस्ट हेटेड कार ब्रांड भी है। जब मनी बान ने 4000 ब्रिटेन के लोगों में एक पोल करवाया कि विच ड्राइवर्स आर वर्स्ट ऑन द रोड, तो 40% लोगों ने BMW ड्राइवर्स के लिए वोट किया। और ऐसा ही एक पोल कार थ्रॉटल ने भी करवाया जिसमें 7440 पार्टिसिपेंट्स में से 41% ड्राइवर्स ने कहा कि BMW ड्राइवर्स आर मोस्ट डिसलाइक्ड ऑन द रोड्स। UK ही नहीं, लिथुएनिया देश की भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की रिसर्च में पाया गया कि BMW ड्राइवर्स आर मोर रूड देन वॉल्वो एंड फॉक्सवैगन ड्राइवर्स। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर आपके यूजर्स आपके प्रोडक्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ब्रांड वैल्यू पर कितना ज़्यादा गंदा असर पड़ सकता है। लेकिन क्या अपने यूजर्स की वजह से होने वाली अपनी ब्रांड इमेज को बर्बाद होने से रोका जा सकता है? फरारी एक्चुअली में यही कर रहे हैं। फरारी ने कई बार अपने कस्टमर्स पर केस फाइल करे हैं बिकॉज उन्होंने फरारी को मॉडिफाई करा था या वो फरारी की लॉ बुक में गलत थे। फरारी ने जस्टिन बीबर, किम कार्दाशियन और फ्लॉयड मेवेदर जैसे बड़े फेमस सेलिब्रिटीज को इसलिए बैन कर दिया बिकॉज उन्होंने उनके सेल्स एग्रीमेंट में लिखी बातों को फॉलो नहीं किया था। फरारी ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक्सक्लूसिव हैं, बट मेरा मानना यह है कि KTM के लिए ऐसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में KTM के लिए अपने सजेशन ज़रूर छोड़िए कि वो इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हैं।